हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th आरबीसी हिंदी मीडियम के लिए विशेष प्रकार का एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। YouTube चैनल रतन तंवर पर आपका हार्दिक स्वागत है। YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक है वो सब्सक्राइबे कीजिए। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है और किसने दिया था, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक वो चर्चा करेंगे। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वो ओरेस्टेड ने 1820 में दिया था। ओरेस्टेड का कथन क्या है, ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक का कथन क्या है? ओरेस्टेड ने ये बताया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो चालक तार है वो चुंबक की भांति है वो व्यवहार करता है। चालक तार है वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है, यानी चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न हो जाता है और इसी कारण चालक के निकट रखी जो सुई है वो क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। यानी ओरेस्टेड ने 1820 में बताया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो चालक तार के चारों ओर है वो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिससे उसके निकट रखी चुंबकीय सुई है वो क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। इसे हम बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। इसे ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग को तीन प्रक्रियाओं में समझाई। पहली प्रक्रिया आती है, देखो पहला चित्र है, बैटरी जुड़ी है, कुंजी है, RH है, धारा नियंत्रक है, PQ एक चालक तार है, नीचे एक चुंबकीय सुई रखी हुई है। ठीक है, पहली कंडीशन में क्या है, जब हम चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, जब हम चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं तो चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित नहीं होती है, पहला प्रयोग। दूसरा देखो, दूसरा प्रयोग है यहां पे ये बैटरी जुड़ी हुई है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी जुड़ी हुई है, ये के कुंजी जुड़ी हुई है, ये धारा नियंत्रक है, PQ चालक तार है, ये नीचे रखी हुई चुंबकीय सुई रखी हुई है। जब इस चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो चालक तार है वो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र होने से क्या होगा, चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित अवस्था में आ जाती है। थर्ड प्रयोग क्या है, थर्ड प्रयोग ये है, हम यदि धारा की दिशा को परिवर्तित कर देते हैं, धारा की दिशा को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं तो क्या होता है, धारा की दिशा परिवर्तित करने से क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय सुई है वो विपरीत दिशा में क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित करने से जो चुंबकीय सुई है वो क्या होगी, विक्षेपित अवस्था में आएगी। यानी कहने का मतलब है चालक में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित होना इस बात को व्यक्त करता है कि चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर और चुंबकीय सुई को चालक के निकट ले जाने पर उसमें विक्षेप का मान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो ओरेस्टेड ने दिया, ओरेस्टेड का कथन ये है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है,
विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण चुंबकीय सुई है वो क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। इसे ही कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। तो इसमें हमने अभी पढ़ा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ा है जो ओरेस्टेड ने दिया था, तो इसका स्क्रीनशॉट है वो बोर्ड से ले लो, फिर आगे का टॉपिक पढ़े। अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा याद करने के दो नियम है, दक्षिणावर्ती पेच नियम और दूसरा नियम कहलाता है दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम, अब देखो दक्षिणावर्ती पेच नियम और दक्षिण हस्त नियम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा याद करने के दो नियम है। पहला नियम है दक्षिणावर्ती पेच नियम और दूसरा है दक्षिण हस्त नियम। दक्षिणावर्ती पेच नियम क्या कहता है? दक्षिणावर्ती पेच नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार, जैसे हमने मान लिया ये पेच है दक्षिणावर्ती, इस नियम के अनुसार यदि हम पेच को दक्षिणावर्ती इस प्रकार से घुमाएं, देखो ये पेच मान लिया, इसको ये घूम रहा है इस प्रकार से, जो पेच की जो नोक है आगे वाली, पेच की जो नोक है ये नोक, ये तो बताती है विद्युत धारा की दिशा को, विद्युत धारा की दिशा को, और पेच के घूमने की जो दिशा है, पेच के जो घूमने की दिशा है ये बताती है चुंबक के क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। यानी दक्षिणावर्ती पेच नियम के अनुसार, दक्षिणावर्ती पेच नियम के अनुसार क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार दक्षिणावर्ती पेच को वर्ताकार पथ में, वर्ताकार पथ में इस प्रकार से घुमाया जाए, वर्ताकार पथ में इस प्रकार से घुमाया जाए, वर्ताकार पथ में इस प्रकार से घुमाया जाए कि पेच की जो नोक है वो तो विद्युत धारा की दिशा और इसके घूमने की जो दिशा है वो इंगित करे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो इसे हम बोलते हैं दक्षिणावर्ती पेच नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणावर्ती पेच नियम। दूसरा आता है दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है? दक्षिण हस्त नियम कहता है कि जब हम किसी चालक तार को, जब हम किसी चालक तार को, जैसे मान लिया ये जो मार्कर है ये चालक तार है, इसको हमने इस प्रकार से पकड़ लिया, जब किसी चालक तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ा जाए कि अंगूठा है वो तो विद्युत धारा की दिशा को इंगित करे और मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे, तो इसे हम बोलते हैं दक्षिण हस्त नियम। जैसे ये हमने माना कि ये चालक तार है, इस चालक तार को हमने इस प्रकार से पकड़ रखा है, ठीक है, अब इसमें अंगूठा है वो नीचे की ओर है, ये तो बता रहा है विद्युत धारा की दिशा और मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं वो बता रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित कर रही हैं, तो इसे हम कहते हैं दक्षिण हस्त नियम। इन दोनों नियमों की सहायता से हम विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पता कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो किस दिशा में होगी। तो ये था हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है।
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा याद करने के दो नियम है। अब इसके बाद में हम जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाएं। ओरेस्टेड के प्रयोग में हमने क्या देखा? ओरेस्टेड के प्रयोग में हमने ये देखा कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जा रहा है तो चालक तार है वो चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है। किसकी भांति? चुंबक की भांति है वो व्यवहार कर रहा है, यानी वो एक अस्थायी चुंबक बन जाता है। जब तक उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता रहेगा तब तक वो चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, और जो ही उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होना बंद हो जाएगा वो चुंबक की भांति है वो व्यवहार नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र वो किसी चालक तार के चारों ओर कैसे उत्पन्न होता है, उसकी दिशा है वो किस प्रकार से होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव को महसूस करते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक का प्रभाव महसूस किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र इसकी जो बल रेखाएं हैं उनकी दिशा कैसे होती है। देखो, जैसे मान लीजिए ये एक चुंबक है, चुंबक के दो ध्रुव हैं, ये एन सिरा और ये एस सिरा, दो ध्रुव हैं एन और एस। अब जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो निकलेंगी एन सिरे से, ये एन सिरा है और इस एन सिरे से एस सिरे की ओर जा रही हैं, एन सिरे से एस सिरे की ओर जा रही हैं, ठीक है। अब देखो ये जो बल रेखा है एन सिरे से एस सिरे की ओर जा रही है और यहां इसकी अंदर दिशा होगी एस से एन की ओर, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा है चुंबक के बाहर वो होती है एन सिरे से एस सिरे की ओर है वो पाई जाती है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। एक चुंबक के लिए चुंबक की चुंबकीय रेखाएं चित्र में प्रदर्शित की गई हैं कि किस प्रकार से चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है वो प्रदर्शित की जाती है, यानी एन से एस की ओर, एन का मतलब होता है उत्तरी ध्रुव, एस का मतलब होता है साउथ, दक्षिणी ध्रुव। तो इसका स्क्रीनशॉट है वो बोर्ड से आप ले सकते हैं, फटाफट ले लो। स्क्रीनशॉट हो गया, तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है विद्युत चुंबकीय
विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है वो क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण को करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं हम। देखो ये जो सिरा आपको दिया है एन चुंबक का, ये सिरा है एन, ये सिरा है एस, ये बना दिया हमने एक धारा मापी से, ठीक है, बना दिया। और धारा मापी की यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया? जी, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर है वो यहाँ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? गैल्वेनोमीटर है वो यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, चुंबक से बल रेखाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। अब देखना विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, एक कुंडली को धारामापी से जोड़ देते हैं, अब चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हैं तो धारामापी में विक्षेप आता है तथा कुंडली में धारा बहती है। अब देखो बात क्या है, ये एक चुंबक है, ये एक चुंबक है, और ये यहां पे आपको पता है ये है कुंडली, ये क्या है कि कुंडली, और ये है जी गैल्वेनोमीटर, धारा मापी है, क्या है? धारा मापी है, ठीक है। अब इसमें कोई भी बैटरी है नहीं जुड़ी हुई है कुंडली में, हम क्या करते हैं, चुंबक का एन सिरा, चुंबक का एन सिरा है वो कुंडली की ओर ले जा रहे हैं, कुंडली की ओर ले जाने से चुंबक से बल रेखाएं निकल रही हैं। ये क्या निकल रही है? चुंबक से बल रेखाएं हैं वो निकल रही हैं। अब ये जो बल रेखाएं निकल रही हैं, इन बल रेखाओं के कारण से क्या होता है, चुंबक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसे ही हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा है, किसी कुंडली वह चुंबक, किसी कुंडली वह चुंबक, किसी कुंडली वह चुंबक के बीच, किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति। सापेक्ष का मतलब होता है दोनों में से एक, सापेक्ष गति के कारण, सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव, उत्पन्न विद्युत प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण है वो कहते हैं। अब यानी कहने का मतलब है, व्याख्या क्या है, जब चुंबक एवं कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली के काट में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फेराडे ने बताया कि किसी कुंडली के संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा है वो उत्पन्न होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो ही हम ये विद्युत चुंबक है वो कुंडली के पास ले जाते हैं, कुंडली के पास ले जाने से क्या होता है, ये जो बल रेखाएं निकल रही हैं इनकी संख्या में लगातार परिवर्तन होता है, और जिसके कारण से कुंडली में क्या होता है, विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, और इसी का नाम होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट है वो बोर्ड से ले लो। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या है,
किसी चुंबकीय पृष्ठ किसी चुंबकीय पृष्ठ में रखे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स है इसका जो मात्रक होता है वो होता है वेवर। क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वो वेवर है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और इसका मात्रक होता है वेवर। क्या होता है इसका मात्रक है वो होता है वेवर कहलाता है इसका मात्रक। ठीक है तो इसका स्क्रीनशॉट है वो बोर्ड से आप ले लो फटाफट। हेलो आज के टॉपिक में हमारा इतना ही है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा जनित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत धारा जनित्र क्या होते हैं कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में हम विस्तृत है वो चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक है वो पूरा देखिए। इसमें टॉपिक के अंदर हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण है और चुंबकीय फ्लक्स है इनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक है वो चर्चा की है। तो YouTube चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक वो सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। ओके बाय।